ये जी अभी आप देख सकते हैं कि ये निकाह हो रहा है। सुसुर जी जो हैं वो आ गए हैं घास लेके, ये आप देख लें कैसे हैं। ठीक हूँ अभी जी, मेरी साथ और सुसुर जो हैं वो घास काट रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह टोका दोनों कट्ठे काम करते हो? हाँ जी। कितनी प्यारा चिकन, जबरदस्त बेहतरीन, आए क्या टेस्टी है। काटा हुआ भी बड़ा बड़ा है। दहर तेरी शादी तो मी बस सी। ये देखो पतीले में शुरू हो गया, ये देख लें आप खेतों में देखें कितनी प्यारा प्यारा कुकड़ है। जो आप कहते हैं प्रेशर कुकड़, हम इसको कुकड़ कहते हैं जी। ये देखें, ये मतलब जो देसी होता है ना, ये कुकड़ होता है। अस्सलाम वालेकुम, तू कैसे हैं जी? सब बहन भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं, जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो जी आज हो रही है निकाह की तकरीब। यहाँ विलेज में ऐसे सिंपल सा ही निकाह होता है, बस दो चार लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, फिर निकाह जो है वो हो जाता है। तो अभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, तो आपने साथ रहना है। इस न्यू वाली मस्जिद में बैठे हैं लोग, काफ़ी लोग जो हैं ये देखें बैठे हैं, और दूल्हे के साथ जो है वो मजाक कर रहे हैं। अभी ये जो अंगूठा लगा रहे हैं, ये दुल्हन के अब्बू जी हैं, सबसे पहले उनका अंगूठा लग रहा है जी। अभी ये जो अंगूठा लग रहा है, ये दुल्हन के भाई का अंगूठा लग रहा है, और ये भी दुल्हन का जो है भाई है, ये भी हंस रहा है। अभी ये जो है ये दूल्हे का भाई है, और साथ में ये उसके अब्बू जी बैठे हैं माशाल्लाह, और दूल्हे का भाई जो है वो अभी अंगूठे लगा रहा है। चावल चाओ, भूख लगी है? भूख लगी है ना? मैंने खाई थी बिरयानी। क्या खाई थी? अच्छा बिरयानी। ब्याह भाई जान, तुसा खानपुर आयो? जी हां। या कि बेपासों? खानपुर से। माशाल्लाह क्या ते आयो, इतनी जल्दी पहुंच गया? मोटरसाइकिल से। अच्छा अच्छा, ये भी मोटरसाइकिल पे था। अभी जी दूल्हे को जो है वो पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि कलमा वगैरह भी पढ़ाई जाती हैं, उसके अलावा और भी जो है कुरान पाक उनमें से जो है वो पढ़ाया जाता है। तो मौलवी साहब जो हैं वो पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ दूल्हा भी पढ़ रहा है माशाल्लाह। अभी जी दूल्हा जो है ये देखें हंस हंस के जो है वो अंगूठे लगा रहा है, और बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है कि मेरा जो है आज निकाह आखिरकार हो ही गया है। मज़े की बात है कि ये छोटा भाई है, बड़ा भाई कुंवारा है। अभी जी दुआ मांगी जा रही है, माशाल्लाह सब दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह पाक जो है इन्हें हंसता बसता रखे। अभी जी याद ताज़ा की जा रही है पुराने रिवाज की, खजूरों की। अभी जो है जो चावल बनाए गए थे, एक देख चावल की बनाई, बेबो भी खा रहे हैं, और भी सबको जो है वो तकसीम कर रहे हैं। ये देखें सबके सामने ये चावल सबको दे रहे हैं। दहर तेरी शादी तो मी बस सी। ये देखो पतीले में शुरू हो गया, ये देख लें आप। दहर जो है ना आपकी शादी ऐसे नहीं होगी, एक को समझा है पतीले से खंदा बैठे। अच्छा हर शेपोस में ना, और इधर सारे बच्चे भी। बेबो खा रहे हो? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप खुश हो ना, अभी काम सही करोगे ठीक है। तो जी ये थी निकाह की तकरीब, अभी जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, मतलब निकाह जो है वो हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला चलते हैं घर, और आपके साथ व्लॉग जो है वो मजीद शेयर करते हैं। अभी जी हम भी चावल लेके जा रहे हैं घर, बैठ के खाएंगे। बेबो आप फिर खाओगे? हाँ ख्याल से। माशाल्लाह माशाल्लाह, दादा जी जी बकरियां चराने जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी सबा भी आ गई है, निकाह हो गया है। तो इससे पूछते हैं सबा, सही सही बताओ, जैसे आपने कहा था कबूल है कबूल है, तो क्या उसने भी ऐसे कहा था? बिल्कुल ऐसे कहा था। अच्छा क्या दुल्हन खुश थी?
बिल्कुल खुश थी। क्या दुल्हन को जो है दूल्हा पसंद आ गया है? बिल्कुल आ गया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक जो है इनकी आने वाली लाइफ को जो है वो खुशियों से भर दे। आमीन। तो जोड़ी को बहन भाई ये था हमारा सरप्राइज जो हम आज दिखा दिया हमने। हाँ जी। तो प्यारे बहन भाइयों अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हम क्या पकाने वाले हैं। वो हम पकाने वाले हैं जी एक बेहतरीन और खूबसूरत सफेद कलर की चिकन। तो आज स्पेशल दावत है जी, चलें जी बनाते हैं जी। हमारे साथ रहिएगा। ससुर जी जो हैं वो आ गए हैं घास लेके। ये आप देख लें कैसे हैं। ठीक हो? तल्ले सट गिनो फिर बात करते हैं। तो ये जो है ढांढों के लिए जानवरों के लिए जो है चारा लेकर आए हैं। इसको हम कहते हैं घा और ज्वार। ठीक है जी। और भी गंठा उठाना है? लेने जा रहा हूँ। ठीक। तो जी प्यारे बहन भाइयों अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ से ये घास लेके आ रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से लेके आ रहे हैं मैं। अच्छा आप भी आ रही हो? हाँ जी। क्यों क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? तेरा घास तो नहीं है। आपका नहीं है तो मेरा भी नहीं है ना। तो इकट्ठे चलना चाहिए। चलें जी इकट्ठे चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह छोटा सा आम चेक करें जी ये बीजा हुआ है। ये जब बड़ा हो जाएगा ना दो है। असल में मैंने ऐनक नहीं पहनी हुई। रेड कलर का एक पीली शक्ल का है। अगू हट जाओ आपके अब्बू जी आ रहे हैं। हाँ जी, मैं इधर से जाऊंगा। अच्छा हाँ। तो जी ये है जी माशाल्लाह इनके ढांढों का घास जो के जानवर खाते हैं। और ये सब्जी वगैरह भी है। ये है घिया तुरी। ये है सबज तुरी। घी तुरी ये लगी हुई है माशाल्लाह। तूरियां लगी भी हुई है। हाँ, ये है, वो है, ये फ्रेश सब्जी पकाने का और ही मजा है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना वो थोड़ा सा जमीन ले लेते हैं फिर यहाँ पे सारी सब्जी उगा के ना हम छोटा सा यहाँ पे कमरा बना लेते हैं यहाँ पे फिर बनाते रहेंगे खाते रहेंगे। सही में बोला ना। इंशाल्लाह जी अभी हम तैयारी करते हैं घर वापस जाने की क्योंकि इसकी नीयत खराब हो रही है। ये जो है अजीब अजीब सी बातें कर रही है यानी कि अपने अब्बू अम्मी के साथ रहना चाहती है। और जब इसकी बात इसके अब्बू ने सुनी तो उसको देखें वो खेल रहा है। हेलो वो देखें खेल रहा है। अभी हम घर चलेंगे बस। जाओ मैं तो नहीं जा रही। अब खेतों में देखें कितनी प्यारा प्यारा कुकुड़ है जो आप कहते हैं प्रेशर कुकुड़ हम इसको कुकुड़ कहते हैं जी। ये देखें ये मतलब जो देसी होता है ना ये कुकुड़ होता है। सब्बस हरियाली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है यकीन करें दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे सारे दरख्त वगैरह भी मौजूद हैं और इसलिए तो आप सब्बा फादर व्लॉग्स जो चैनल है इसके अब्बू का उसको आप बहुत शौक से देखते हैं क्योंकि वो यहाँ की लाइफ जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें ये खजूरों का दरख्त ये ओबा दरख्त ये ओबा दरख्त ये देखें ये आम का दरख्त और ये शतूत जो लंबे लंबे होते हैं मज़ेदार वो। और प्यारे बहन भाइयों ये शाम का मंजर है और आपको कैसा नज़र आया सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है। तो ये देखें सब्ज़ हरियाली चेक करें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह जी। ये लेली चेक करें सबा लेली है बकरा है ले ली बकरी है। चलो आ जाओ वापस चलें घर। अमरूद किधर है अमरूद? ये वाला ये ढाका हुआ है ढक्का हुआ है। अभी नहीं फलियां उठाई हुई। ओ ख्याल कर सब्बा। ओ यार खड्डा था। नहीं नीचे सांप था। तो जी प्यारे बहन भाइयों ये तो यहाँ पे घूमती रहेगी। मैं जो है अभी जा रहा हूँ वापस घर क्योंकि चिकन वगैरह जो है वो रेडी है। तो अभी चिकन वगैरह बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। अभी मेरे जो ससुराल हैं उनके घर में हमारी आज पहली दावत है चिकन के साथ वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये उधर है तो उधर ही रहे। वो आ रही है वापस। अब ना आना था ना। क्यों आ रही हो आप? तेरा घर नहीं तेरा घर उधर है मेरे वाला घर जो है। तेरे वाला नहीं
अब शादी जो कर दी ये तो नहीं कहा कि यही खराब हुआ, हर चीज खत्म हो गई है। अभी जी मेरी सास और ससुर जो है वो घास काट रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह टोका। हाँ टोका टोका, दोनों कट्ठे काम करते हो? हाँ जी ठीक है, कट्ठे किया करो भाई, हक भी बनता है ना। हाँ हक डाढ़ा बनता है। बेबो आपको पहले मोशन लगे हुए हैं, आप पता नहीं ये कितना पापड़ खा रहे हो, तीसरा पापड़ खा रहा है आपका बेटा। आप क्यों लेके देती हो फातिमा? मैंने नहीं ले दिया। अगु खिलती हो बेबो, ना खाओ पापड़ गंदे होते हैं। माशाल्लाह जी हमारे मिसाले जो हैं वो काट चुके हैं, प्याज सब्ज मिर्च टमाटर ये तीनों मिसाले, और मिसाला सबा यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता विलेज में, सिर्फ यही तीन मिसाले बस, इसके अलावा छुट्टी। हाँ बस आज सिंपल सा सालन बनाना है शोरबे वाला, ठीक हो गया। हाँ कढ़ाई वाला बनाना, ठीक है। ये प्यारा सा जानवर जी, इस गाय ने जो है वो जनिया है, ये वाला प्यारा जानवर मल्ला निकला हुआ है, टांग पे जो है इसको मल्ला निकला हुआ है, मतलब कोई बीमारी है, अल्लाह पाक सेहत अता करे। अभी ससुर जी गाय को पकड़ के उधर घास डालने के लिए जा रहे हैं, ये छोट के भाग रही थी। सबा वो गैस सिलेंडर ना भाई आपके भरवा के आ गए हैं, इधर भी आप गैस सिलेंडर पे बनाओगी जी, तो चलो फिर दोबारा स्टार्ट करो। चलो तो जी ये चाय वाला स्टोव जो है ये किसी जमाने में ना ससुर जी इस पे बनाते थे चाय, चाय बनाते थे ना। हाँ जी, होटल लगाया था, चाय का होटल था इनका। हाँ। तो वही पुराना स्टोव है, मैं छोटा था निकड़ा था इसके जैसा था मुझे याद है। हाँ। तो मैं चाय पीने आता था, हिफाजत करते हैं ना, मुझे चाय नहीं देता था फोग देता था। तो अभी जो है सबा बनाने लगी है यहाँ पे बेहतरीन करके चिकन। तो जी ये देखे हमने जो अपनी कढ़ाई लेके आए थे ना उसमें आज किचन बना चिकन बना रहे हैं। तो जी ये वाली लाइट जो है ससुर जी ने लगाई हुई है, इसको ना बैटरी पे चलाते हैं, इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी तारे वगैरह फिट कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं तो यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि सबा की दीद नहीं पोती पोती। माशाल्लाह जी चिकन जो है वो आ चुका है और ये फ्रेश फ्रेश धो के लाई है और अभी जो है पकाना स्टार्ट है। लाइट जो है हमारी जल चुकी है, बहुत ज़्यादा रोशनी है, सोझला है, इसलिए सबा को पसीना है। ये जो गर्मी की जुल्म है बस। माशाल्लाह जी कढ़ाई जो है वो हमारी चढ़ चुकी है, सबसे पहले जी घी ऐड कर रहे हैं हमेशा की तरह। आज अम्मी अबू के घर है तो पाव वाली थैली में से भी आधा डाला। चिकन का पता नहीं है कितनी है, दो किलो है तो सारा किया भी दोबारा डाल। मुझे चिकन का पता नहीं था ना। नहीं नहीं बचत करो, अम्मी अबू का घर है ना। अच्छा उधर नहीं करती क्या? उधर तो किलो किलो की थैली चली जाती है अंदर। कोई बात नहीं, ऐसा तो कभी कभी होना चाहिए। हाँ जी माशाल्लाह जी देखें कितनी प्यारा चिकन, जबरदस्त बेहतरीन, आए क्या टेस्टी टेस्टी है, और काटा हुआ भी बड़ा बड़ा है, बिल्कुल सही है ना, अच्छा बन जाएगा। माशाल्लाह जी चिकन जो है वो काफी हमारा गल चुका है, सारा गल के सबा खावन दा कह नहीं। तुम भी हसो, हस रही है वो भी। ओ बेबो बेबो आपकी दोस्ती हो गई, माशाल्लाह खुश हो गए जब से बेबो आया है ना, बस दुकान की जान निकल गई। हर टाइम चीज लेके आता है और फेंक देता है, मेरे ख्याल में जब से ये आया
खा गया। अल्लाह इतनी जुल्म ना कर, 50 की खा गया। माशाल्लाह जी मिसालें जो हैं वो हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने टमाटर भी ऐड कर दिए, प्याज भी दोनों कट्ठे ऐड कर दिए हैं। कीवें मौलवी साहब, तो बेहतरीन सालन जो है आज बनेगा। मौलवी साहब भी क्या याद करेगा, मिर्ची सही है ये, सट दो, ज्यादा डालना ताकि इसकी हवा मर जाए। नहीं ये तेज मिर्ची है, किसी से फ्राई भी नहीं जाएगी। ये क्या खा रही हो सबा? चने, चने फुला। ये कहाँ से ले ली? अबू ने दिए बेबो को, बेबो ले आया है मेरे लिए और बेबो ने जो ले के मुझे दे दिए। अच्छा जी प्यारे बहन भाइयों, चिकन हमारा जो है ना वो लंबा होता जा रहा है क्योंकि यहाँ की रूटीन जो है ना वो लेट की होती है और हमने आपके साथ व्लॉग शेयर करना होता है, तो इसलिए हम हो रहे हैं ज़्यादा लेट। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह कल जो है वो, कल तो हमारी विलेज में बैठ के, मतलब घास में बैठ के हमारी बहुत सी खूबसूरत वीडियो आएंगी रेसिपीज की, तो आप सब ने इंजॉय करना है, देखनी है। हाँ तो इंशाल्लाह अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज, सब बहन भाई जिंदाबाद।